मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मारपीट की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह प्रायोजित है, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सीहोर में हाईवे पर रुके, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश में हो रही मारपीट की घटनाओं को लेकर कहा कि यह सब प्रायोजित है, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सीहोर से नवेद जाफरी की रिपोर्ट।